नमस्कार दोस्तों, मेरा विनीत, तो स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ गैस पिज्जा ओवन। काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एक ओवन लेके आइए जो इकोनॉमिकली मतलब हमारे बजट के अंदर आए। तो हमने एक ऐसा ओवन आपके लिए रेडी करा है जिसमें आप अपना पिज्जा बेक कर सकते हैं और अपने कस्टमर को खिला सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा गैस डेक ओवन कैसा दिखता है और क्या इसकी मेजरमेंट है, आउटसाइड और इनर साइड की क्या मेजरमेंट रहेंगी। तो आउटसाइड की आपकी 30 इंचेस है, 30 इंच इसकी विड्थ है आपकी, और जो चौड़ाई रहेगी वो है 21 इंची, 21 इंच इसकी आपकी चौड़ाई है। और हाइट की बात करें, हाइट कितनी है, तो हाइट आपकी 34 इंचेस आपकी ओवरऑल हाइट रहेगी इस ओवन की। अब हम बात करते हैं अंदर के डेक के ओवन की, अंदर के डेक के ओवन की क्या साइज है। तो अंदर के डेक की बात करें तो हमारा 20 इंची के करीब आपकी इसकी विड्थ है, और गहराई की बात करें तो गहराई हमारी 17 इंची हमें गहराई इसके अंदर मिलेगी। अब इसमें हम लोग बात करते हैं हाइट कितनी है, नीचे लोअर हाइट और ऊपर अपर हाइट कितनी रहेगी। तो लोअर और अपर की बात करें तो 10 इंची आपकी टोटल ओवरऑल हाइट रहेगी अंदर के डेक की। अब बात करते हैं कि जो हमारे डेक ओवन आते हैं, इंपोर्टेड वाले भी कहते हैं हम लोग उसको, उनमें और इनमें बेसिक फर्क क्या है। उसके अंदर आप बेस के साथ पिज्जा बना सकते, मतलब बेस आप फ्रेश बेस बना सकते हैं जैसे डोमिनोज वगैरह में बनते हैं, मगर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप फ्रेश बेस पिज्जा नहीं बना सकते। प्री कुक बेस आते हैं जैसे हार्वेस्ट वगैरह और अदर्स कंपनी आती है, इंग्लिश ओवन वगैरह काफी सारी हैं जो कई लोग अपने खुद बेकरी में जाके भी बनवा लेते हैं अपने हिसाब से बेस, तो वैसे भी आप बनवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे की लेयर है आपकी जो बेस की लेयर, वो ये नीचे पक जाएगी आपकी जो पिज्जा की है, और सेकेंड जो आपका जो मेल्ट करना है आपको ऊपर का जो बेक करना है पिज्जा, वो यहाँ पे ऊपर आपका बेक हो जाएगा। दो आपके इसके अंदर अलग से एनसीबी वॉल दिए हुए हैं, नीचे के कंट्रोल के लिए ये वाला वॉल रहेगा और ऊपर के लिए कंट्रोल के लिए इंफ्रारेड बर्नर के कंट्रोल के लिए ये वाला वॉल रहेगा। इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं हम कि कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस है दोनों की, जो इंपोर्टेड वाले आते हैं या डेक ओवन जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल डेक सिंगल ट्रे, और इन ओवन में कितना। तो लगभग आधी कॉस्टिंग का फर्क है, मान लो वो 40,000 का है तो ये उसकी आधी कॉस्टिंग में आपको मिल जाता है। बाकी आपको एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो नीचे नंबर दिया, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, तो वहां पे आपको जाके आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। कॉलिंग की टाइमिंग आपको कंफर्म कर देता हूँ, मॉर्निंग में 11 से लेके 6 बजे तक कॉलिंग की टाइमिंग है। इस टाइम कॉल करेंगे तो हमारे कॉल जरूर पिक होगी, और संडे ऑफ होता है तो संडे को कोशिश कीजिए कि ना कॉल करें। तो और बाकी ऑन ऑफ का मैं बता देता हूँ, बर्नर कैसे चलाना है। बर्नर का यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ एक कट लगा हुआ है, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना लाइटर से चलाएंगे और सेकंड यहाँ से चलाएंगे ओवन का, तो डायरेक्ट यहाँ से आपका जल जाएगा। और ये ट्रे भी आप बाहर निकाल सकते हैं साफ करने के लिए, तो वॉश भी करना आसान है, क्लीन करना आसान है। अब तो आप लोग हम बात करते हैं कॉस्टिंग कितनी आएगी इस ओवन के अंदर। तो कॉस्टिंग की बात करें गैस के अंदर कितनी इसके अंदर गैस खपत होती है, जो नॉर्मल गैस ओवन है और इस गैस ओवन के अंदर, दोनों में कितनी खपत आती है। तो नॉर्मली बात करें तो एक घंटे के अंदर ये आपका गैस जो लेगा वो अराउंड 1 kg के अराउंड आपकी ले लेगा, अगर आप फुल टाइम फुल स्पीड पे चला रहे हैं तब इसके अंदर है। और नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग थोड़ी थोड़ी देर में चलाते बंद करते हैं, तो इसके अंदर इतनी गैस नहीं लगती। एक घंटा अगर आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर दोनों ओवन बर्नर चला के फुल स्पीड के अंदर, तो 1 किलो गैस लगेगी इसके अंदर। और गैस का प्राइस लगा सकते हो कि 14 किलो का गैस का सिलेंडर भी आता है, कमर्शियल 19 किलो का भी आता है, जो भी आपके इधर एरिया का रेट है तो इस हिसाब से आप कॉस्ट कट कर सकते हो। और नॉर्मल ओवन में हमारे जो डेक ओवन आते हैं उनके अंदर थोड़ी गैस कम लगती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होता है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर आपका नहीं है। तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होता है, आपने मान लो 250 डिग्री पे सेट कर दिया तो वो 250 डिग्री पे कट आउट हो जाता है, मगर इनके अंदर ऐसा नहीं होता, आपको हीट अपने आप से कंट्रोल करनी होती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर होती हैं और इसके अंदर नहीं है। तो दोनों के अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट हैं कि इसको आप कहीं भी ईजिली अपना लगा सकते हैं, रेडी के ऊपर किधर भी आप लगा सकते हो, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो बेसिकली रेस्टोरेंट के अंदर या दुकान के अंदर ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रफ एंड टफ यूज़ है, जैसे मर्जी आप यूज़ करो बिल्कुल बेस्ट है। और नंबर आपको दे रखा है नीचे, आपको कॉल करने है तो आपको टाइमिंग सब कुछ बता चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आकृति इंडस्ट्रीज, गुड बाय।